ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक करें। हाय गाइस, इट्स उमा, वेलकम टू माय चैनल। अभी सीजन चेंज की टाइम है, विंटर आने ही वाली है, तो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम बहुत ही जल्द सबको लग जाता है। मुझे भी कुछ दिन पहले ही हुआ था। मैंने कुछ छोटे मोटे नुस्खे ट्राई किए थे मेरी कफ एंड कोल्ड के लिए। मैं हमेशा ही छोटे मोटे नुस्खे ही ट्राई करती हूँ। मैं मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेती हूँ, सिरप्स वगैरह ज़्यादा नहीं लेती हूँ। कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं जिसे आप फॉलो करेंगे तो इस सीजन चेंज के टाइम पर, स्पेशली विंटर सीजन में, आप सेफ रहेंगे, मतलब आपको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम जल्दी से नहीं होगी। मैं आज तीन रेमेडी आप सबके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। सो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए वीडियो देख लेते हैं। पहले रेमेडी के लिए आपको चाहिए होली बेसिल्स, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। आपको 5 से 6 होली बेसिल्स चाहिए, जिसे हम लोग तुलसी कहते हैं। और इसके साथ आपको ऐड करना है थोड़ा सा नमक, जो कि मैंने हाथ में ऑलरेडी ले लिया है। एकदम पिंच ऑफ नमक की आपको ज़रूरत है, ये नमक कुकिंग नमक ही आपको चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा नमक यहाँ पे मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो डायरेक्टली मुंह में भी ये नमक ले सकते हैं। आपको ह्यूज कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो, या आपकी कफ जो है वो गले में बैठ गया है, आप ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम है, तो आप इसे इसके साथ ही अच्छे से इसे कंज्यूम कर लीजिए। ऐसे कंज्यूम करने के मिनिमम 30 to 40 मिनट्स के अंदर आपकी जो कफ है वो निकल जाएगी। रेगुलर मॉर्निंग में अगर आप इस होली बेसल्स यानी तुलसी के साथ थोड़ा सा नमक आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी कफ की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सेकंड रेमेडी मैं बताऊंगी, आप 1 टीस्पून तक हनी ले लीजिए। उसमें आप मिनिमम 1/2 टीस्पून तक लेमन जूस ऐड कीजिए, अच्छे से मिलाइए। आपको जल्दी जल्दी उसे कंज्यूम नहीं करना है, आप थोड़ा सा उंगली में ऐसे, हाथ में भी आप मिक्स कर सकते हैं, चम्मच में भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा हाथ में ऐसे उंगली में लीजिए और फिर ऐसे करके धीरे धीरे उसे आप खाने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा अगर करेंगे आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आप जो खांस रहे थे वो नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा खांस रहे हो उस टाइम पर इस रेमेडी को आप ट्राई कीजिएगा। थर्ड रेमेडी जो मैं बताऊंगी आपको, अगर आपके घर पे वासका लीव्स हो यानी बाशुक पाता जिसे हम बंगाली में कहते हैं, मैं उसकी पिक्चर जो मैं यहाँ पर नहीं तो यहाँ पे मेंशन कर ही दूंगी कैसे दिखते हैं। वासक लीव की 2 या 3 पत्ता ले लीजिए। अगर आपके पास वासका लीव्स अवेलेबल ना हो तो आप होली बेसिल्स भी यूज़ कर सकते, जिसे हम तुलसी का पत्ता भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक आप ऐड कीजिए और अच्छे से उसके साथ आप लीकर टी बनाइए। उसे आप सुबह शाम आप टी पीते हैं, वैसे ही आप उसके साथ चाय पीजिए। जब सीजन चेंज हो रहा है तब कफ एंड कोल्ड की जो प्रॉब्लम आ जाती है, और बहुत किसी को थोड़ी ही ठंड लग जाने से उसे कफ एंड कोल्ड आ जाता है, तो अगर वो लोग इस रेमेडी को यानी इस चाय को रेगुलर बेसिस पे पिएंगे तो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तीनों रेमेडी में आप कोई भी एक रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, तीनों ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंटर के सीजन में स्पेशली आप ल्यूकम वाटर ही कंज्यूम कीजिए गाइस। और सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको चबन ब्रश आपको खाना ही है। तो जो नो कोई भी ब्रांड का चबन ब्रश आप खा सकते हैं, लेकिन चबनप्राश खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप दूध पीते हैं तो दूध के साथ थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करके पीजिए तो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और सीजन चेंज के टाइम पे जब भी आप नहाओगे तो हल्का ल्यूकोम वाटर से ही आप नहाने की कोशिश कीजिएगा। मैं हमेशा से ही रिकमेंड करूँगी कि जो भी स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम आते हैं आप सबको, स्पेशली इस विंटर सीजन में, उसी के लिए आप एक बकेट पानी लीजिए और उसके साथ थोड़ा सा यानी 1 टेबल स्पून तक आप लेमन जूस ऐड कीजिए, उसके साथ अपना है ये। फिर आपकी विंटर के सीजन में भी स्किन प्रॉब्लम हो, जो भी डैंड्रफ की इश्यूज आते हैं इस टाइम पे, तो वो नहीं रहेगी। कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप नहाने से पहले थोड़ा सा बॉडी को अच्छे से ऑयल मसाज कर लीजिए। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, नारियल का तेल यूज़ कर सकते हो, ऑयल्स में से कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। अच्छे से पूरी बॉडी में इसे अप्लाई कीजिए, अच्छे से मसाज कर लीजिए, फिर ल्यूकम वाटर से नहा लीजिए। और ऑब्वियसली सीजन चेंज के टाइम, स्पेशली विंटर के सीजन में, बाहर जब आप निकल रहे हो तो आप प्लीज़ अपने कानों को और गले को और बॉडी को जितना हो सके कवर रखिए, ताकि कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम जल्दी से आपको ना पकड़े। तो ये था मेरी आज की वीडियो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम को लेके। बहुत ही सिंपल सी मैंने ये वीडियो बनाई है। आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो के बारे में कुछ भी बताना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसके आंसर ज़रूर करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे 1 लाइक ज़रूर दीजिएगा, आपके 1 लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट और एनकरेज करते हैं गाइज़।
वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं सोशल नेटवर्क की साइट पर, ताकि और भी किसी की हेल्प हो। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे चल के और भी अच्छी अच्छी नई वीडियोज़ देखने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टाटा।